ये रोटी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और इस तरह से बिल्कुल रुमाल की तरह हम इसको हाथ में ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा पतली है ये। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जैसे ढाबे पे या होटल में रुमाली रोटी बनती है, सेम उसी तरह से मैंने बनाया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने रुमाली रोटी कैसे बनाई है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे और एक छोटा चम्मच नमक लेंगे, चाल लेंगे, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और ले लेंगे। दो से तीन मिनट तक अच्छी तरीके से ऐसे इसको पंच करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम रुमाली रोटी बनाएंगे। 15 मिनट हो गया है तो अब रुमाली रोटी बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसको साइड में रख देंगे। एक बराबर की लोइयां तोड़ लेंगे। गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे लगाएंगे इसमें। बेलन की सहायता से बेलेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते हुए इसको बेलेंगे। बिल्कुल पतला रुमाली रोटी है तो बिल्कुल रुमाल की तरह ही रहेगा, इतना पतला रहेगा कि इसमें से उंगली दिखने लगे, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए इतना पतला हो गया है। अब इसको हाथ पे ऐसे ले लेंगे और इस तरह से करते हुए, ये देखिए इस तरह से करते हुए थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। ये देखिए कितना पतला हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। उंगलियां देखिए बाहर से दिख रही हैं, तो इतना ज़्यादा पतला है। और कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो अब इसको कढ़ाई पे डालेंगे। कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म है, बिल्कुल काला हो गया है। तो ये नमक का जो पानी हम तैयार किए थे इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, सब तरफ से ऐसे डाल देंगे। पानी सूख गया है, हाथ को एकदम बचा के फिर इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। अभी इस पे ऊपर से बबल्स जब दिखने लगेगा तब हम पलटेंगे, या कलर हल्का चेंज हो जाएगा तब पलटेंगे। तो ये देखिए बबल्स दिख रहा है, इसको पलट देंगे इस तरह से करके। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरे साइड में सेक लेंगे। देखिए सब साइड से सिक गया है। एक और बेलेंगे तो उसमें भी इसी तरह से आटा लगा के और बेलन की सहायता से पहले बेलेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने पतला कर लिया है। और अब हाथ पे लेंगे इस तरह से, ऐसे 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 करके, ये देखिए अपने आप से ये बड़ा होता जाएगा, नीचे लटकेगा और बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ऐसे करते जाएंगे, अपने आप से बड़ा होता जाएगा। देखिए कितना पतला हो गया है। तो अब हम इसको कढ़ाई पे डालेंगे, चाहते हुए हाथ ना चलने पाए ऐसे कढ़ाई पे डाल देंगे। आप अगर हाथ से नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे बेलन लीजिए और ये वाला इस पे ऐसे इस तरह से करके ऐसे लपेट लीजिए हल्के से, इस तरह से करके और इस तरह से खोल देंगे, जैसे लपेटे हैं उस तरह से ऐसे खोल देंगे। देखिए बबल्स आ गए हैं तो पलट देंगे। काली रोटी बनके तैयार हो गई है। इसको आप मटन के साथ, चिकन के साथ या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी है उसके साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा पतली बनी है। ये देखिए आप देख रहे होंगे बनने के बाद भी मेरी उंगली इसमें से देखिए दिख रही है। और ये देखिए इस तरह से कर लेंगे और फिर से ऐसे खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली है ये। बस आप इसको बनाने में ध्यान रखिए कि इसको बना के तुरंत खाइए, और अगर आपको तुरंत नहीं खाना है तो इसको घी लगा के रखिए। घी लगा के नहीं रखेंगे तो ये कड़ी हो जाती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए घी लगा के रखिए तो काफ़ी देर तक ये मुलायम रहेगी। ये देखिए, ये भी देखिए इस तरह से कर सकते हैं और फिर से खुल जाएगी, इतनी ज़्यादा पतली है ये। इस तरह से रुमाली रोटी आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा तवा है तो तवा भी उल्टा करके आप उस पर बना सकते हैं, और लोहे की कढ़ाई नहीं है तो सिल्वर की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रुमाली रोटी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।